के बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ जो निर्वाचन आयोग के भी सलाहकार हैं, उन्होंने भी कहा कि 9A का प्रावधान किसी को डिस्क्वालीफाई होने के लिए जो है उस पे हेमंत सोरेन जी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, क्योंकि कानूनी तौर पर संवैधानिक तौर पर आप कुछ तो कर नहीं सकते, तो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर क्रिएट करो ताकि ब्यूरोक्रेसी में यह खलबली मची, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि राज्य सरकार अस्थिर, कभी भी कुछ हो सकता है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जो कभी कुछ सीरियस नहीं लेता था, यकीन मानिए अब राष्ट्रीय चैनल पे उनसे बात करो, मैं चैनलों का विशेष नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब उनको भी लगने लग गया कि दिल्ली में जो कहानी गढ़ा जा रहा है, जो बेलून फुलाया जा रहा है, वो रांची आते आते फुस हो जा रहा है, कोई चीजें टिकी नहीं रही। मैं जब दिल्ली में था तो कई हमारे मित्र पूछते थे कि तुम लोग का सरकार रहेगा, हम पूछिए ये सवाल आता कहां से, जब विधानसभा में संख्या बल हमारे साथ है, हमारे पास में पुख्ता नेता है, एक अदल मंत्रिमंडल है, तो सरकार फिर से कहां से नया आएगा। क्योंकि वो लोग भी इस भ्रम में है भारतीय जनता पार्टी, और नाहक भ्रम। अब जो अभियुक्त पकड़ाया है, जो गिरफ्तार हुआ है, वो कह रहा है सरेआम अपने मुंह से कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है बोलने के लिए कि ये पैसा हेमंत सोरेन जी का। उसकी स्वीकारोक्ति है, और ये मेरे सामने नहीं है, प्रेस के सामने है। आज वो हिरासत में है, उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, हो सकता है वहां और भी कुछ खेला हो जाए। हम इस आशंका से कहां से हम लोग पार पाएंगे, क्योंकि जब कोई सेंट्रल एजेंसी के या कोई भी थाना में भी यदि कोई पकड़ाता है तो ये तो IAS IPS लोग, तो एक सिपाही भी जो करने बोलता है वो कर लेता है। मतलब क्या भयंकर एक पटकथा लिखी गई है, मैं उससे आपको आगाह करवा रहा हूं कि तुम बोलो ये सारा पैसा हेमंत सोरेन का, क्योंकि दीपक जी बोलते हैं कि केंद्र हमारा है, भाजपा हमारा है, ईडी हमारी है, CBI हमारा है, IT हमारा है, NIA हमारा है, हम जो चाहेंगे वो करें। हमको लगता है कि अब राजमुक्ति आंदोलन में जिस प्रकार से हम लोगों को शहादत देना पड़ा, कुर्बानी देना पड़ा, उससे भी बड़ा शहादत और कुर्बानी राज्य बचाने के आंदोलन में करना पड़ा। झारखंडियत को बचाने के लिए करना पड़ेगा, इस इलाके को लूटने से बचाने के लिए करना पड़ेगा। मोमेंटम झारखंड का कुछ हम लोग आपको दिखाए थे, धन आप
लोगों से हमने कुछ कंपनियों का भी शेयर किया था, किस प्रकार लूट मचाई गई, कृषि समिति का भी वो एसीबी के अंदर जांच में, इन तमाम चीजों को ढकने के लिए कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई एक ऐसे समय पे चुनकर हो रही है जब एक गैर आधार का मामला लोगों ने फ्रेम करके इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किया। ये बहुत बड़ी साजिश है, इस साजिश से हम डरने वाले कतई नहीं, केवल राज्यवासियों को आगाह करने के लिए कि हमने अपने प्रयास से पारा टीचर के आंदोलन को सुलझाने का काम किया। आने वाले दिनों में हम स्थानीयता को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, लोगों के रोजगार देने को लेकर, किसानों की ऋण माफ करने को लेकर जो योजनाएं बना रहे हैं उनको बाधित करने का, खंडित करने का ये कुचक्र किया जा रहा है। इसलिए राज्यवासियों को आगाह करने के लिए आप लोग के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि साजिश के खिलाफ राज्य के लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है हमारे अस्तित्व की, हमारे अधिकार के, हमारे सम्मान। आज इतना ही कहना था, कोई प्रश्न यदि है तो वह मंत्री। दादा ये जो आप बोले कि हम लोग राज्य बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किस टाइप की कुर्बानी होगी, क्या गवर्नमेंट बचाने के लिए? नहीं देखिए, गवर्नमेंट बचाने के लिए नहीं, इस राज्य को लूटने से बचाने के लिए पुनः उस तरह की चुनौतियां आ रही है जिसको हमको रोकना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं एक ट्रेंड सा बन गया है, अब किसी भी राज्य में आप चल जाइए, राज्य पुलिस को अब पूरी तरह से, जबकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य की सब्जेक्ट, उसको हटाकर सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जा रहा है। कल का एक घटना बड़ा इस संघीय, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किए थे पिछली बार जब लोगों से मुखाते हुए, और हम लोगों ने देखा कल रात को 12 बजे एक छोटा सा कार्यकर्ता का बिल के लिए रात को इमरजेंसी हाईकोर्ट बैठता है अपने घर पर। भाजपा के एक कार्यकर्ता को जो, जिसको पंजाब पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी, उसको हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के हवाले से जबरन छुड़वाया संगीन के नोक पर और फिर दिल्ली पुलिस के हाथ में दिया। उस पर जब रेगुलर वारंट निकला तो रात को 12 बजे हाईकोर्ट बैठ गया। हम किस स्तर पे जा रहे हैं, ये भयावह है संघीय व्यवस्था के लिए। इसलिए मैं कहा कि ये कुर्बानी देने के लिए अब हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। दादा आप जो कह रहे हैं कि वो मीडिया में बयान दिए आरोपी जो है कि भाई हमसे सीएम का नाम और पूजा सिंघल जी को फंसाने के लिए कहा जा रहा है, ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि उस मीडिया के बयान का कोई अर्थ नहीं होता न्यायालय में। फिर जेएमएम को ऐसा क्यों लग रहा है इन सब षड्यंत्र के बावजूद ईडी न्यायालय में उनका बयान दिला पाने में सक्षम हो जाएगी या मुख्यमंत्री को फंसाने में सक्षम हो जाएगी? देखिए जो कुकृत्य वो लोग कर सकते हैं उसको आगाह करने के लिए तो हमने आपको दिखाया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।